भक्त प्रहलाद की कहानी। प्रहलाद राक्षसों के राजा हिरण्यकश्यपु का पुत्र था। हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रूर राक्षस था। वो भगवान विष्णु को नहीं मानता था। उसने अपने पूरे साम्राज्य में घोषणा की थी कि किसी को भी भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करनी है और सभी को हिरण्यकश्यपु को ही भगवान मानना है। हालांकि प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का पुत्र था, परंतु वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद की भगवान विष्णु की भक्ति के बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। पहले उसने प्रहलाद को यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने पिता को ही एकमात्र भगवान माने, ना कि भगवान विष्णु को। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति समर्पित रहा। इससे हिरण्यकश्यपु बहुत नाराज हुआ। उसने अपने सैनिकों को प्रहलाद को हर संभव तरीके से मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने प्रहलाद को सांपों से भरी एक गुफा में बंद कर दिया। उन्होंने एक भारी पत्थर से गुफा के द्वार को बंद कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद जब उन्होंने गुफा खोली तो पाया कि प्रहलाद पर सांप के काटने का कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने प्रहलाद को मारने के लिए कई अन्य तरीके आजमाए। यहाँ तक कि उन सैनिकों ने प्रहलाद को एक पहाड़ से नीचे भी फेंका, लेकिन वे प्रहलाद को नहीं मार सके। हर साजिश से हार कर उन्होंने हिरण्यकश्यपु को इसकी सूचना दी। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम होलिका था। उसे वरदान दिया गया था कि वह आग से नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यपु ने एक योजना बनाई। उसने होलिका को प्रहलाद को लेकर उसके साथ आग पर बैठने के लिए कहा। होलिका ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन आग बुझने के बाद प्रहलाद जिंदा था, जबकि होलिका जल चुकी थी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। इससे हिरण्यकश्यपु और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को अपने दरबार में बुलाया और उससे उस स्थान के बारे में पूछा जहां भगवान विष्णु रहते थे। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु दुनिया में हर जगह रहते हैं। हिरण्यकश्यपु ने उसे अपने दरबार में एक स्तंभ दिखाया और पूछा कि क्या उस स्तंभ में भगवान विष्णु हैं? प्रहलाद ने हाँ में उत्तर दिया। हिरण्यकश्यपु ने उठकर अपनी गदा से उस स्तंभ को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही वह स्तंभ टूटा, वहाँ भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार थे। वह हिरण्यकश्यपु को दरबार के द्वार पर ले गए और उसे अपनी गोद में बिठा लिया और अपने नुकीले नाखूनों से उसे मार डाला। भगवान नरसिंह आधे शेर और आधे इंसान थे। उनका ऊपरी शरीर शेर का था, जबकि निचला शरीर इंसान का था। तो वह ना तो जानवर थे और ना ही इंसान। हिरण्यकश्यपु को ना तो घर के अंदर मारा गया और ना ही बाहर। वह उस समय मारा गया था जब सूर्य ठीक से अस्त नहीं हुआ था और दिन का उजाला अभी भी दिखाई दे रहा था। ब्रह्मा जी द्वारा हिरण्यकश्यपु को दिए गए वरदान के अनुसार ये ऐसी शर्तें थीं जिनके तहत हिरण्यकश्यपु का वध किया जा सकता था। इस तरह भगवान विष्णु या भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए सभी शर्तों को पूरा किया और अपने भक्त प्रहलाद को बचाया। भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया भगवत पुराण पढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल से अपडेट पाने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।